मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास अपडेट में। प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया राहुल गांधी को इस्तीफा और कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर चुकी हैं प्रियंका चतुर्वेदी। लेकिन इसके पीछे के आखिरकार कारण क्या है? प्रियंका चतुर्वेदी की मानी जाए तो उन्होंने एक कारण स्पष्ट तौर पर अपनी प्रेस वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके पार्टी को छोड़ने के पीछे महिलाओं का सम्मान है और उनके सम्मान को ठेस पहुंची थी जिस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अब कुछ और ही बयान लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी के पार्टी को छोड़ने के पीछे की वजह एक तो ये बताई जा रही है जो कि हमने आपको अभी अभी बताई, एक और वजह ये भी सामने आ रही है कि उर्मिला मातोंडकर के मुंबई से टिकट मिलने से खासा खुश नहीं है प्रियंका चतुर्वेदी। जी हाँ, ये खबर हाल ही में सामने आई। इस खबर के पीछे की पूरी पूरी जानकारी हम आपको देंगे ही, लेकिन इसी बीच आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उन्होंने बातें कही थी और साथ ही साथ कांग्रेस को छोड़ने के पीछे की क्या क्या बड़ी वजहें रही। कांग्रेस को छोड़कर यूं तो साथ दे रही हैं अब वो शिवसेना का, शिवसेना में जाकर वो शामिल हो गई हैं। अब उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की तेज तरार प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी के शिवसेना में शामिल होने का मामला इन दिनों खूब ज्यादा सुर्खियों में है। जी हाँ, उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह से मथुरा की घटना को बताया जा रहा है जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की थी। लेकिन क्या यही एक वजह है जिसने प्रियंका को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया? हो सकता है, लेकिन एक और कहानी है जो कि सामने आ रही है। दरअसल चर्चाएं इस तरह की हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। बता दें आपको कि 19 जून साल 2015 का उनका एक ट्वीट इन दिनों चर्चाओं में है। इसमें उन्होंने कहा था, आखिर कैसे एक व्यक्ति सुबह उठता है और अपनी विचारधारा को ऐसे बदल लेता है जैसे कोई अपने कपड़े बदलता है। आज वही ट्वीट उनके लिए आलोचना का सबब बन गया है। अब इस ट्वीट का जिक्र खूब होने लगा है। वह चर्चाएं तो इस तरह की भी हैं कि प्रियंका की नाराजगी की एक वजह उर्मिला मातोंडकर को टिकट मिलना भी है। सूत्रों के मुताबिक ये पता लगा कि मुंबई नॉर्थ से प्रियंका टिकट की आस में थी, लेकिन उर्मिला को टिकट दे दिया गया। और प्रियंका साल 2010 से कांग्रेस में है, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। वो एक प्रभावशाली प्रवक्ता हैं और तो और हर मंच से उन्होंने कांग्रेस की बात मजबूती से रखी है। सोशल मीडिया पर भी वो खूब सक्रिय रहती हैं, लेकिन उर्मिला को उन पर तरजीह दे दी गई। जानकारी देना चाहेंगे आपको, मुंबई में ही पली बड़ी प्रियंका चतुर्वेदी ने साल 2010 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। दो साल से ही वो उत्तर पश्चिम मुंबई के यूथ कांग्रेस की महासचिव बन गई और फिर पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया और पार्टी महासचिव भी नियुक्त हुए। लेकिन कांग्रेस का लगातार ही उन्हें नजरअंदाज करना पार्टी को बेहद ज्यादा भारी पड़ गया। जी हाँ, मथुरा कांड ने इस असंतोष को हवा दी। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगता है कि यहीं से शिवसेना और उनके बीच बातचीत का रास्ता खुला और तो और मथुरा कांड की वजह से वो पार्टी आलकमान से बेहद नाराज थी। उन्होंने बदसलूकी करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज की थी और पार्टी ने इन्हें निलंबित किया। साथ ही इसी बीच मुंबई नॉर्थ से उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया जाना उन्हें और अखर गया और आखिर में उन्होंने हाथ का साथ छोड़ शिवसेना का दामन थामना ही बेहतर समझा। गौर करने लायक बात यह भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ कहा कि मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस मुझे एक अलग मुकाम पर ले जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि जो दो दो वजहें प्रियंका चतुर्वेदी के पार्टी छोड़ने को आ रही हैं, अब इन दोनों वजहों में से असल वजह का खुलासा तो खुद प्रियंका चतुर्वेदी भी कर चुकी हैं। जी हाँ, मानना ऐसा ही है कि ये दो वजहें बहुत सामने आ रही हैं। लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि महिलाओं के सम्मान के लिए वो पार्टी को छोड़ रही हैं और साथ ही कई सारी बातों का उन्होंने और खुलासा किया था उसी प्रेस वार्ता में।